स्वामी महाराज जय जयंतला प्रविष्ण विष्णुपा श्रीमद्भुत सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। माँ भागवत श्रील गौर किशोर दसमाई बाज महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दसमाई बाज महाराज की जय। तेरे कौन किसी विषय में जय श्री रूप सनातन सड़े गोस्वामी प्रभु की जय। नाम आचार्य हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से भक्त कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। राय रामानंद स्वरूप दामोदरादि गौर पार्षद वृंद की जय। नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास की जय। राधा कृष्ण गोपी गो गोवर्धन राधा श्याम पंड द्वादश नाथ श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री नवद्वीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। भले महाराज जी ठीक है सब भले देव सुभद्रा सुदर्शन चतुर् बस बस हसे भक्त बस हसे 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 भक्ति सिद्धार्थ हसे हसे भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सब बड़ी कर गौर हरि की जय। एटी बड़े सब सब बड़ी कर गौर हरि की जय। अनंत बड़े गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि पर बसु गुरुदेव दया कर उसको दे दो समाज में तो पैसा कर तो गुरुदेव दया कर लेना उसको उधर घुमा देव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। Thank you.
मैसेजेस से जय जगन्नाथ महाप्रभु की। हाँ, जगन्नाथ जी की कल रथ यात्रा होगी, इसलिए भक्त लोग छत के ऊपर में बैठ करके जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हो गया है, इसलिए जो लोग देश विदेश जाना चाहते हैं आज रात तक तो जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री बलदेव प्रभु की, सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की जय। जय जगन्नाथ। अब गुरुदेव को माला करने दीजिए। काल के ना इस काल के जते ठाकुर अच्छे समस्त में फूलों माला आनकरी समस्त हम सा पढ़ फूलों में ही हो जाओ। हाँ ठीक है, पैसा के दे दो। हाँ तो पैसा अच्छे ना दे तब दे दो। ठीक है, अरे कथा छाड़ के जीवो, कथा सुन के जाओ ना, कथा टिके सेंस तो पड़े जो दी जाना पड़े जो। और एन जल्दी माला उड़ा कर आनी चाहिए ना, खाली फूल नहीं आज माला कर दे बैठी ना। हाँ 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 फूल आज नहीं आस रात्रि माला नहीं पूरी
ନାଇଁ ଫୁଲ ଯଦି ମିଳିବ ନେଇ ଆସିବେ ନା ଏଠି ନିଜେ ସାଇଜ ଅନୁଯାୟୀ ମାଳା ତିଆରି କରିବେ ହଁ ଠିକ ନେଇ ଆସ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଯାକ ନେଇ ପଳେଇ ଆସ ତମ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେବ ବୁଝିଲ ତାପରେ ପଇସା ଦେଇକିରି ଭଲ କରି ନେଇ ଆସ ବେଶୀ କରି ନେଇ ଆସ ମାଳା ତାହେଲେ ଭଲ କରି दयाल प्रभु नितानंद श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नितानंद
Yeah.
गुण हरि जय राधा माधव ज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन अमर जी ब्रह्मचर्य में पढ़ी दो तो सोच चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पांचाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलंबितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः
तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह का तराजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माध भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद सभी के चरण में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे गत कल्या श्रीमद् भागवत कथा की श्रोता कौन है। कहते श्रोता श्री परीक्षित महाराज है, क्योंकि जिन्होंने मातृगर्भ में ही भगवत दर्शन किया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जनमा मोनी जाता ना कराए जनमा मोनी जाता ना कराए अंतरामा कहे आवत नाए गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत ना। जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवत स्मरण करना बड़ा कठिन, लेकिन श्री परीक्षित महाराज ने जिन्होंने गर्भ में ठाकुर जी को दर्शन किया है, हैं? और दर्शन करके जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहे थे। मैंने गर्भ में जो श्याम सलोना बड़ा प्यारा कृष्ण को दर्शन किया, वो कृष्ण कहाँ है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया परीक्षित। इसलिए इन्होंने ये कौन है, कहते श्री भागवत ग्रंथ का जो श्रोता है। बोले भैया भागवत ग्रंथ का वक्ता कौन है, कहते भागवत में जैसे श्रोता श्रेष्ठ है वक्ता भी सर्वश्रेष्ठ है। कौन है, श्री सुखदेव गोस्वामी। कहते सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ में उन्होंने 16 साल तक रहे, गर्भ से निकलना ही नहीं चाह रहे थे। इतने में व्यास देव जी ने कहा बेटा तुम कौन हो, मैया को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो, गर्भ से निकल जा बेटा। बोले पिताजी हम गर्भ से निकलना नहीं चाहते, यहीं पर मस्ती है आनंद है और यहीं पर भजन कर रहा हूँ, हैं? इसलिए जहाँ पर भजन हमें सुजोग मिले, भजन करने की जहाँ हमें स्थान मिले बढ़िया, वो स्थान सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जितने बढ़िया स्थान क्यों नहीं हो, अगर भजन का वहाँ परिवेश नहीं ना, कहते भैया नहीं रहनी चाहिए।
क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य भजन करना, जहाँ भजन की सुविधा हमें वहीं पर रह करके भगवान की साधन भजन करनी चाहिए। इसलिए गर्भ में क्या है, टाटी पेशाब खून पी कर कुछ है ही नहीं। इसलिए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज पायखाना में भजन करते थे, हैं बोले यहीं पर भजन हो रहा है भैया, जहाँ भजन हो वहीं रहो। इसलिए वो निकलना नहीं चाह रहे थे, हैं, लेकिन उन्होंने मैया, बोले मैया को बड़ा कष्ट मिलता है, बोले पिताजी ये संसार ऐसे है, माति गर्भ में तो बड़ा कष्ट होता है, वो भगवान को पुकारता है नरक से निकालो, लेकिन जब निकाल देते हैं ना फिर भगवान को भूल जाता है। इसलिए ये माया में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बोले मैं माया को हटा देता हूँ, बोले आप नहीं हटा सकते क्योंकि आप भी माया में पड़े हुए हो, क्योंकि मैया की कष्ट को देख रहे हो, ये भी माया है, हैं। इसलिए कौन माया से निकाल सकता, जो मायापति, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं जे प्रबद्ध मायाम एताम तरंतित। कृष्ण कहते हैं अर्जुन माया मेरी माया है, हैं। इसलिए अगर मैं अगर चाहता हूँ माया से किसको निकालना, वही माया से तर सकते हैं और कोई नहीं तर सकते हैं। तब उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाए, कृष्ण जब माया को हटाए, इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, बोले श्री सुखदेव महाराज की। लेकिन जन्म होते ही बोले जम प्रभजंत मनुपीत मपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि। इसलिए श्री सुत गोस्वामी जब ये भागवत को प्रारंभ करना चाहते हैं, कहते सबसे पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करते हुए फिर भागवत को मैं प्रारंभ करूंगा। इसलिए गुरु जी को उन्हें प्रणाम करते हैं, बोले मेरे गुरु जी कैसे हैं, बोले जम प्रभजंत मनपेत मपेत कृत्यम। खैर जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, वो प्रकट होते ही अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुए, वो अभी संन्यास लेकर जा रहे हैं, और श्री व्यास देव हा पुत्र बोल करके पीछे 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 चल रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र मतलब कौन किसका बेटा कौन किसका पिता है, सब झूठा संसार है, मैं भी कभी आपका पिता रहा होगा, हैं। कभी ये एक अर्थ, दूसरा अर्थ किया, यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी गुरु जी की महिमा बता रहे, मेरे गुरु जी कैसे हैं, गुरु तत्व बता रहे, गुरु जी कैसे हैं, बोले तन्मय तरबो भी ने दो, मतलब है मेरे गुरुदेव ये जितना वृक्ष लता है ना, ये सर्वत्र मेरे गुरुदेव का विद्यमानता है, गुरुदेव मेरे सर्वत्र विद्यमान है, जब गुरुदेव मेरे सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए गुरुदेव मेरे हृदय में ही प्रकट हो जाए। क्यों, ये स्वर्णकादि ऋषि लोगों जो छह प्रश्न किया है, जैसे ये प्रश्न का मैं उत्तर दे सकूं, बोले ये एक इसका दूसरा अर्थ है, हैं। इसलिए कहती ये तीसरा अर्थ क्या है, तीसरा अर्थ है कहती जो भगवान का प्यारा बन जाते हैं, कहते जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, जैसे आस्ते भगवत भक्ति अकिंचनात् सर्वगुण तत्र समासुरा, मतलब है अगर कोई भगवान का प्यारा बन जाता है ना, वो सबका प्यारा बन जाता है, सब उसको प्रेम करने लगते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव की ऐसे महिमा है, क्या है ये देखो, ये लता पता वृक्ष भी हा पुत्र बोल करके मेरे गुरुदेव को बुला रहे हैं, मतलब मेरे गुरुदेव सबका प्यारा है, श्री मेरे गुरुदेव है। इसलिए कहते मैं ऐसे जो मेरे गुरुपाद पद्म श्री सुखदेव गोस्वामी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब सन्यासी बन करके चले गए, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब व्यास देव ने पहले उन्होंने चार वेद को बनाए, तब भी शांति नहीं मिली, फिर उन्होंने उपनिषदों को बनाए, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र रचना की, फिर उन्होंने देखा स्त्री शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, पंचम वेद श्री महाभारत बनाए, जिसमें श्री भगवत गीता, उन्होंने 17 पुराण बनाए,
लेकिन इसका बावजूद भी उनको शांति नहीं मिल रही है, हैं? जब शांति नहीं मिल रही थी, इतने में श्री नारद जी आए और अशांत का कारण उन्होंने बताए, बोले यथा धर्म दयाश्चार्था मुनिवर्ज्या नुकीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णित। बोले व्यास, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रहा है। क्यों शांति नहीं मिल रहे हैं? बोले तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को जितने बढ़ा चढ़ा करके बोला है ना, खूब धर्म करो, खूब दान पुण्य दो। बोले क्यों? पुण्य होगा तो स्वर्ग जाएंगे, रंभा उर्वशी मेनकाओं को साथ में विहार करेंगे, हैं? इसलिए धर्म करो, अर्थ कमाओ, दान पुण्य करो, धर्म अर्थ काम इसको भोग करो, हैं? और मोक्ष की बात में भी वर्णना किया है, लेकिन जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव है वो भगवान के नित्य दास है। इसलिए जीव का जो असली धर्म है भगवान की भक्ति करना, उनको प्रेम करना, यही जीव के असली धर्म है। इसलिए सबई पुंसा परो धर्म चतो भक्ति रधक सजे, ये जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को प्रेम करना। क्यों? जय आत्मा संप्रसिद्धति, उसी से ही आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन तुमने दूसरे दूसरे धर्म को तो बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया है, लेकिन असली जीविका आत्मा को कैसे शांति मिले ये धर्म तुमने नहीं बताया, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रहा है। अगर तुम शांति पाना चाहते हो भागवत ग्रंथ रचना करो। और गुरुदेव कहते हैं, भले तुमने ये बताया कृष्ण कैसे पराग पर परम ब्रह्म होते हुए भी जहाँ पर सखाओं को प्रेम में बसीभूत होकर के क्या करते हैं, दुनिया का जो झूठ है, दुनिया जिनका झूठा खाते हैं वो सखाओं को झूठा खाते हैं। पेड़ से अगर कोई बढ़िया फल मिला है ना, पहले सखा लोग तो खा लेंगे, हैं? एक बार दो बार खा लेने के बाद उसका गुठली बच जाएगा। कन्हैया बोले मेरे को नहीं दोगे, तू अकेला खाओगे, छीन करके ले लेंगे। बोले फल तो बड़ा मीठो फल है, हैं? सारे तुम अकेले खा रहे। इसलिए जब सखाओं के साथ में लड़ाई होता है, कृष्ण हार जाते, बोले घोड़ा बनाओ, ले चलो हमें घोड़ा बन करके। बोले मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। बोले घोड़ा नहीं बनोगे, इससे कोई बात मत करो, अकेले कर दो इसको, हाँ अकेला घर कर दो इसको, कोई बात नहीं करना। बोले नहीं भैया, इसे मत किया करो, मैं घोड़ा बन जाऊंगा। बोले बनो बैठो, कृष्ण घोड़ा बनते हैं, हैं? इसलिए गुरुदेव ये बात कहते थे, मैया जसोदा कन्या की उखल में प्रेम में बांध देती हैं, कान पकड़ रखे बोलती हैं तुमने मिट्टी खाई। कृष्ण डर से कहते, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं माखन खाए हो, इसलिए डर। बोले ये बात लिखी। और जब राधा रानी मान करती हैं, उनको मनाने के लिए कृष्ण उनके चरण में बंसुरी रख देते हैं, मयूर मुकुट रख देते हैं। बोले हे राधे, आज तुमने इतने क्यों मान किया, अपना मान तो छोड़ दे। लिखा तुमने जहाँ परात पर परम ब्रह्म होते हुए भी जिनके प्रेम में स्वयं वशीभूत हो जाते हैं, कभी उनको मान, जब राधा रानी दुर्जय मान करती हैं, श्याम सुंदर कभी हैं क्या रूप धारण करते हैं, माली हारिणी, पाली हारिणी, सन्यासी रूप, पता नहीं क्या क्या कहते। मैं तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करना जानती हूँ, बड़े सुंदर चरण दबाना जानती हूँ, जिनका शरीर में श्रृंगार करूँ उनके हृदय की सारे व्यथा दूर हो जाती है। स्वयं श्याम सुंदर राधा जी के चरण में हैं महावर लगाते हैं, उनको श्रृंगार करती हैं, कभी कभी श्याम सुंदर राधा रानी के चरण की सेवा करती हैं। इसलिए जिसका नाम पड़ गया सेवा कुंज, गुरुदेव कहते थे तुमने ये बात लिखे हो। बोले नहीं लिखा। बोले शांति कैसे मिली तुम, यही तो भागवत का सार है ना, जहाँ पर स्वयं परम ब्रह्म परात पर तत्व, जहाँ पर प्रेम में भसीभूत होकर के दुनिया का जो मालिक है वो भक्तों का सेवक बन जाते हैं। लिखे हो ये बात? बोले नहीं। बोले शांति मिलेगी कैसे? अब ये भागवत ग्रंथ लिखो जिसमें स्पष्ट रूप में बताओ, जीव का तभी परम कल्याण है जब जीव अहेतु की अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। जीव का जो परम धर्म है भगवान को प्रेम करना, भक्ति करना ही यही जीव का परम, स्पष्ट रूप में बताओ हैं। इसलिए जब उन्होंने श्रीमद भक्ति जोगेन सम्यक प्रणहित अमले अपश्यम पुरुषम पूर्णांग मायांच तत् अपाश्रय, जब उन्होंने भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्त हुए, उन्होंने क्या देखा? बोले अपश्यम पुरुषम पूर्णम,
उन्होंने पूर्ण पुरुष को दर्शन किया, तब विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते पूर्ण कब होएंगे, कृष्ण को देखा ला, बोले नहीं। उदाहरण देते हैं, जैसे हम बोले हमने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा देखा, क्या अकेला चंद्रमा को देखा? नहीं, चंद्रमा को साथ में चंद्रमंडल भी दिखा, आकाश को भी दिखा, उसको साथ साथ तारे भी दिखे, सब तो सबको दिखे ना। इसलिए कहते अवश्यम पुरुषम पूर्णम, उन्होंने पूर्ण पुरुष को दर्शन किया। कृष्ण पूर्ण कब है? जब उनको साथ में राधा रानी है। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब उन्होंने मैना और तोता में लड़ाई हो गई, तोता कहता है मेरे कृष्ण श्याम सुंदर मदन मोहन है, मैना कहते चुप रहो मदन मोहन है। तभी मदन मोहन है जब हमारी किशोरी राधा रानी वहां पास है, नहीं तो केवल मदन है। तोता कहता है मेरे श्याम सुंदर गिरिराज गोवर्धन धारण किया था, मैना कहते चुप रहो कृष्ण गिरिराज धारण किया, बोले किसने धारण किया? तब मैना कहती है बताओ कौन सा हाथ में धारण किया, बोले बाम हाथ में, बोले कौन सा अंगुली में, बोले बाम अंगुली में, बोले कैसे धारण किया, बोले शक्ति से, बोले कृष्ण का शक्ति कौन है कृष्ण का शक्ति? राधा रानी। तब फिर गिरिराज को किसने धारण किया? इसलिए ब्रज में कहते हैं कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर ले उठाए। इसलिए ब्रज में कहते हैं, कहते कृष्ण ऐसे थोड़ी गिरिराज उठा लिया, ब्रज गोपियों ने कुछ मक्खन खिलाया, फिर किसने, कुछ गोपन ने करी सहाय, सखा लोग कहते अरे सारे रख रख तुमने गिरिराज उठा दिया, इसलिए तुमने गिरिराज उठाया, हमने डंडा टेका के रखा था ना, हाँ तब तो तुमने गिरिराज उठाया। कहते राधा जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए, इसलिए राधा जी की कृपा से ही गिरिराज गोवर्धन उठाए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अपश्यम पुरुषम पूर्णम, उन्होंने पूर्ण पुरुष को दर्शन किया। पूर्ण पुरुष मतलब है जब श्री श्याम सुंदर का वाम पार्श्व में श्री किशोरी राधा रानी हो, तभी पूर्ण नहीं, उसको साथ में जब ब्रज गोपियां उनको साथ में, ग्वाल बाल हो, नंद बाबा, मैया जसोदा, गैया हैं सब गोपाल बाल, जब पूरा वृंदावन उन्होंने दर्शन किया हैं, फिर और क्या देखा, उनको पश्चात भाग में कैसे माया खड़ी हुई, और जो जीव भगवान को भूल जाता है कैसे उसको माया पकड़ करके संसार में डंडे कैसे मार रहे हैं, कैसे उसको डंडे मार रहे हैं माया। लेकिन जितना डंडा मारता है ना, लेकिन जीव विमुख नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा चुप हो रहा है। देखना संसार में स्त्री की गाली सुनता है, बच्चों को गाली सुनता है, सबका गाली सुनता है, लेकिन संसार से वैराग्य होता है नहीं होता है, ज्यादा चुपकता रहता है। जितने संसार का डंडा पड़े उतना ही संसार में माया में उतना ही चुप, जितने डंडा पड़े। इसलिए ब्यास देव ने देखा ऐसे जीव का कल्याण नहीं है। कल्याण कब होगा? जब जीव भगवान की भक्ति करे, भगवान की भजन करे हैं, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, तभी विरक्ति आएगी जब भगवान में रति होगी, भगवान में प्रेम होगा, तभी संसार में जीव की हाँ माया से बंधन से मुक्ति होगी। इसलिए कहते अवश्यम पुरुषम पूर्णम, जय जगन्नाथ देव की, श्री ताऊ भैया की, सुभद्रा देवी सुदर्शन चक्र की। इसलिए उन्होंने इन्होंने इस सबको दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ले भक्ति जोगे ना हैं, इसका मतलब है भगवत दर्शन कैसे हुआ, बल भक्ति को तरह। इसलिए भक्ति रे भैव नयति, भक्ति रे भैव दर्शयति, भक्ति बस सपुरुष भक्ति रे भैव भूलसे। इसलिए भक्ति को द्वारा ही, भक्ति ही हमें भगवान तक ले जाएगा, भक्ति ही भगवत दर्शन कराएगा, और भक्ति का ही महिमा है। इसलिए उन्होंने दर्शन करते हुए भागवत ग्रंथ पर रचना की। बोले भैया ग्रंथ तो बड़ा सुंदर बना दिया, लेकिन इसको पढ़ाएंगे किसको? लेकिन जिसके लिए मैंने ये ग्रंथ बनाया वो तो जन्म से ही सन्यासी बन करके चला गया है, अभी उसको मैं लाऊं कैसे? कहते ब्यास देव के चार चेले थे, चेलो को बोले देखो चेलो है, मेरे एक तोता था वो कहीं उड़ते हुए चला गया, तोते को पकड़ करके ला सकते हो? बोले गुरुदेव जंगल में तो बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या पता आपका तोता कौन है? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, तुम चारों को चार मंत्र सिखा दूंगा, ये मंत्र सुन करके
अपनी आप जो पकड़ में आ जाए समझना वही मेरा तोता है। इसलिए चारों को चार मंत्र सिखाया और ये चारे चले जंगल में भ्रमण करते करते पहला चले ने पहला मंत्र को बोले बोले बराहा पिडम नटवर बपुहो कर्णयो कर्णिकारम विप्रत बास कनक कपिसयम वैजयंती च मालां रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। कदी ये श्लोक में श्री राधा रानी कृष्ण कैसे अलबेलासा रूप है, हैं सुंदर कृष्ण हैं, इसलिए ये श्लोक में बताए हैं। इसलिए कहते हैं मेरे नंद जू को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला मेरे नंद जू को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो मेरे नंद जू को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला मेरे नंद जू को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला कभी मैया के संग कभी बाबा के संग कभी मैया के संग कभी बाबा के कभी मैया के संग में अकेला मेरी मटकी में मार गयो डेला मेरे नंद जू को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला मेरी मटकी में मार गयो डेला मेरी मटकी में मार गयो डेला मेरी मटकी में मेरे नंद जू को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला मेरे नंद जू को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला। जो पहला श्लोक था कृष्ण कितना सुंदर है, जिस सुंदरता को श्री राधा रानी स्वयं अपना मुंह में वर्णना करती हैं, कभी कभी कहती है नंदलाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करुणा। अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना कर लाला बन दिया, क्योंकि तू इतना सुंदर अगर तू लाली होती ना पता नहीं पृथ्वी का सारे लोग तेरे को पाने के लिए युद्ध करके सबके सब मर जाते हैं। इसलिए अच्छा हुआ। इसलिए कभी लोग कभी कभी कहते हैं कि जो शेर है ना पहले रोड में घूमते थे, लेकिन जब कृष्ण जन्म हुए सब जंगल में चले गए। बोले क्यों? बोले शेर का जो कमर है बड़ा पतली और छाती वक्षस्थल विशाल है, लेकिन कृष्ण इतने सुंदर है इनकी सुंदरता को देख करके शेरों ने देखा भैया हमें कोई पूछने वाले नहीं, चलो जंगल में चलो। अरे जो सर्प रोड में घूमते थे वो भी बील में चले गए गर्त में। बोले क्यों? बोले भुज दंड गृहित कंठा। कहते भगवान की जो हाथ कैसे हैं, हाथ कैसे हैं? बोले सर्प जैसे भुजा दंड हैं, सर्प का मुंह जैसे मोटा और पीछे पतला होता है, कृष्ण का हाथ बड़ा सुंदर है। इसलिए लेकिन जब भगवान कृष्ण आए सर्प ने कहा हमें कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि कृष्ण का हाथ इतना सुंदर है हमें कोई, इसलिए सब के सब भील में घुस गए। कहते पहले जो मेघ है पहले नीचे रहता था लेकिन ऊपर चला गया। बोले क्यों? बोले भगवान का जो रूप है कैसे रूप है? बोले श्याम सुंदर हैं, इसलिए श्यामम हिरण परिधि बनवाल वरहा। भगवान का रूप श्याम रूप भगवान की बड़े सुंदर रूप ठाकुर जी की। इसलिए मेघ ने देखा भैया अभिनव जलधर सुंदर है। कहते ना जय जय दे बारे जय जय दे बारे जय जय रे बहरे
राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जय यशोदा दुलाल जय जय दे भरे आधे ना बजरा धरा सो ललिता बन माला जय जय रे हरे जय जय रे हरे जय जय हरे जय जय रे हरे क्या किया मैं ऊपर चला गया इसलिए बोले जहाँ नाव पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि इसलिए यहाँ पर कृष्ण इतने सुंदर राधा रानी इनकी सुंदरता को सुन करके सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञान में डूबे हुए थे हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानाम ब्रह्म एकदम ब्रह्म चिंता में डूबे हुए थे लेकिन ब्रह्म तो निराकार निर्विशेष है उसमें तो कुछ है ही नहीं ज्योति स्वरूप है लेकिन हमारे कृष्ण तो बड़े सुंदर हैं इसलिए गोस्वामी जी कहते इन नहीं बिल्लो का तो अति हरसिता बरब सब प्रेम सुख ही मन त्यागा इसलिए भगवान राम जब मिथिलापुर में पहुंचते हैं पहले श्री जनक महाराज पहले ब्रह्म ज्ञानी थे हैं लेकिन जब भगवान राम रूप देखा ना बोले इन नहीं बिल्लो का तो अति हरसिता जब उन्होंने भगवान राम रूप को देखा दर्शन करते इतने प्रसन्न हो गए बोले बरब स ब्रह्म सुख ही मन त्यागा वो जो ब्रह्म ब्रह्म निराकार बोल रहे थे अपने आप उनका मन से सब खत्म हो गया अपने आप मन से सब खत्म हो गया फिर उन्होंने प्रभु राम का चिंता में डूब गए हैं इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी सब छोड़ करके निकल करके आए बोले आपको ये श्लोक कहाँ से मिला बोले हमारे गुरु जी ये श्लोक दिया पहले क्यों पहले गुरु जी ने कहा मेरा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया वो तोते को पकड़ करके लाओ हमने कहा जंगल में बहुत सारे तोते हैं हमें क्या पता आपका तोता कैसे उन्होंने बोले ये श्लोक सुन करके अपनी आप जो पकड़ में आ जाए समझना वही मेरा तोता है कहते मैं वही तोता हूँ कहते मैं वही तोता हूँ बोले वो देखने में तो बड़े सुंदर है लेकिन वो कहाँ रहते हैं उनका घर कहाँ है तब दूसरा चेला दूसरा श्लोक बोल दिए बोले जयति तेधिका जन्मना प्रजा प्रयति गिरा सदा कहते कहाँ रहते हैं बोले वो वृंदावन में रहते हैं उनका घर वृंदावन है इसलिए ये ब्रज गोपियां कह रहे बोले श्याम सुंदर जब से तुमने ये ब्रज में जन्म किया ग्रहण किया है जय तीते अधिकम तब से वृंदावन तो स्वभावन है ही है लेकिन तेरा जन्म से वृंदावन की विशेष विशेष रूप में जय जयकार हो रही बोले श्री वृंदावन धाम की बोले क्यों कारण क्या है बोले भगवान जब वृंदावन में चलते हैं जिनकी चरण स्पर्श पा करके ये वृंदावन में जो घास है ना बोले ये घास नहीं बोले इनके रोंगट खड़े हो रहा है बोले झरना नहीं कभी आंखों से आंसू बह रहे बोले क्यों बोले कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके इतने प्रसन्न हो रहे श्री पृथ्वी देवी बड़े खुश हो रही हैं हैं इसलिए इसलिए कहते हैं श्याम सुंदर हैं
लेकिन सबके सब तो खुश हो रहे हैं, लेकिन केवल तेरे जो ब्रज गोपियां है ना, केवल वही लोग केवल दुखी है, लेकिन और सबके सब ब्रज में सुखी है। तो लेकिन गोपियां है तुम्हारी, केवल तुम्हारी विरह में ये दुखी है। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाते हैं। कहते हमको जो कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, कहते क्यों कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, और भी तो देवा देवी है ना, और भी देवा देवी को पूजा कर सकते हो, लेकिन हमें कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए। सारे कथा को ना तुमको नोट करनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते एक दिन तुम भागवत कथा सारी सीखो। कैसे सीखोगे, फेफ फेफ भी कर दो सीखो। इसलिए सब पूछूंगा आज तुमने क्या सुना हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, उदाहरण देते हैं, जब इसी जगत में किसी लड़की को हम शादी करवाना चाहते हैं, कहीं शादी देना चाहते हो, पहले क्या देखोगे वो लड़का देखने में कैसे, भले कोई चीज मत देखा करो, क्या देखोगे वो लड़का कैसे देखने में कैसे हैं। इसलिए बोले बोले भैया उसका पर्सनालिटी बड़ा सुंदर है, भले और कोई चीज नहीं देखे, सबसे उसकी पर्सनालिटी को देखेंगे, देखने में लड़का सुंदर है पहले सबसे। लेकिन इसलिए हमारे कृष्ण कैसे है, बोले इतने सुंदर है, बोले सुंदर क्यों असुंदर है, बोले कोटि कंदर्प कमनी विशेष शुभम, जहाँ पर कोटि काम देव भी जहाँ पर मूर्छित हो जाएंगे कृष्ण का रूप देख करके। पहले देख लिया वो कितना सुंदर है, दूसरा चीज क्या देखेंगे, देखने में तो सुंदर है, लेकिन जो बेटी को हम शादी देंगे ऐसे नहीं, बेटी भूखी तो नहीं मर जाएगी, ऐसे नहीं दिन भर शराब पीकर घूमता रहता है, काम धाम नहीं करता है, हैं? इसलिए दूसरे चीज देखेंगे उसका पास में कुछ पैसा है कि नहीं। इसलिए उन्हें दूसरा चेला क्या बताया दिया, बोले पैसा की बात जानते हो, वो वृंदावन धाम कैसे, बोले चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष, वहाँ का जो भूमि चिंतामणि वृक्ष कल्प वृक्ष है, वहाँ पर तो अमृतम, वहाँ पानी अमृत है, कथा गानम गमनम नाट्यम, वहाँ पर जब कोई चलते हैं लगता है जैसे नृत्य कर रहे हैं, लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा कर रही हैं। अगर बेटी को वहाँ शादी दोगे ना, माला माल रहेगी, है राज रानी रहेगी, इसलिए चिंता मत करो। बोले वाह बड़ा सुंदर है। फिर तीसरा चीज क्या देखेंगे, उनका परिवार कैसे है, सास ससुर देवर जेठ कैसे हैं, उसको देखोगे। पूछा भैया ऐसे नहीं बेटी शादी करके दे दिया और सास ससुर इतने लड़ाकू, ऐसे लड़ाई झगड़ा करते फिर घर में बेटी भाग आई। इसलिए पूछे भैया उनका परिवार बताओ, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, हैं? इसलिए उनको मैया का नाम है जसोदा। जसोदा मतलब क्या, सबको जो जस देती है। पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब क्या, आनंद दीति नंद, इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए उनका बेटा का नाम श्री, पिताजी का नाम नंद। बोले भैया, बोले दाऊ दयाल, भैया कौन है दाऊ, ब्रज में कहते दाऊ दयाल हैं, कहते उनके जो बड़े भैया है श्री बलदेव प्रभु दाऊ दयाल, बड़े अच्छे व्यक्ति है। बोले वाह बड़ा सुंदर है, हैं बड़ा प्यारा है। अभी तीन चीज देख लिया बढ़िया है, चौथा चीज सबसे ज्यादा महत्व है, बेटा देखने में सुंदर, घर में पैसा की कमी नहीं, परिवार बढ़िया, लेकिन उसका नेचर कैसे है, ऐसे नहीं बात बात में इतना क्रोधित है, वो थप्पड़ मारता है, हाँ पिटाई करता है, और दिन भर शराब पी करके पड़ा रहता है, जुआ खेलता है, जितने गंदी संगत में पड़ा हुआ रहता है। इसलिए भले ही जितने पैसा हो सुंदर हो, बेटी कोई देगा, बोले जरूरत नहीं तेरे पैसा तेरे पास में रहे, हैं कोई नहीं देखा। इसलिए उनने बोले उसका नेचर कैसे है, चौथा चलाने चौथा श्लोक बोल दिया, बोले अहो बकियम स्तन काल कोटम जिज्ञासयापि असाध्य है। इसलिए बोले वो इतने दयालु इतने कृपालु पुतना जैसे राक्षसी हैं, कृष्ण को मारने के लिए जहर लेकर गई थी, लेकिन कृष्ण इतने दयालु उन्होंने कोई, इसलिए गुना अब गुना प्रभु देखो ना कहा,
प्रभु तो किसकी अवगुण को पर नजर ही नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहां स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन में धाई पद ने प्रदान किया। गति इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी तो हाथ उठा लिया, बोले कम बा दयालु शरणम ब्रज मा, ऐसे कृष्ण को छोड़ कर के और किसका शरण में जाएंगे। इसलिए शरण में जाओ तो वाह जगन्नाथ जी को शरण में, श्री कृष्ण कन्हैया की शरण में जाओ। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जब हाथ उठा करके भागे आए, व्यास देव जी ने क्या किया, उन्होंने उनको पूरी भागवत ग्रंथ उनको श्रवण कराया। अभी श्री कृष्णचंद्र अभी कहाँ पर, हस्तिनापुर में, बड़ा दिन हो गया और कृष्ण जब जब जाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन पांडवों ने कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं, जाने ही नहीं देते हैं किसी तरह से। जब जाने नहीं देते हैं, एक दिन मैया कुंती आकर के भगवान को स्तुति कर रही थी, बोले नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिनी, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्र। भगवान के सारे स्वरूप उन्होंने कमलों के साथ में उदाहरण दे रहे थे। बोले क्यों, बोले जो कमल है हैं देखने में बड़ा सुंदर है, कमल देखने में सुंदर है, आंखों को बड़ा आनंद देता है। इसलिए भगवान का शरीर में 8 कमल है, मुख कमल है, नेत्र कमल है, हस्त कमल है, नाभि कमल, चरण कमल। इसलिए भगवान के शरीर में हैं 8 कमल है। क्यों कमल साथ में उदाहरण दिया, बोले भगवान देखने में बड़े सुंदर आंखों को जो, इसलिए जब जब भगवान को देखो हैं, जब जब भगवान को देखो लगता है जीवन में पहला बार हमने देखा है। जैसे ठाकुर का सवेरे मंगला आरती में देखा, तभी तो देखा है ना, फिर दोपहर में, फिर आरती में देखा, अर्चन को बाद में देखा, फिर शाम को देखेंगे, फिर आरती में देखेंगे हैं, शयन आरती में देखो। लेकिन जब जब ठाकुर को देखो कभी ऐसे लगता है पहले देखे। लेकिन इसी जगत में न्यूज पेपर, एक बार अगर न्यूज पेपर पढ़ लो दूसरे दिन इसको कोई पढ़ सकता है, कोई पढ़ नहीं सकते हैं है? इसलिए इसी जगत में बढ़िया से बढ़िया सिनेमा आ जाए ना, एक बार देख लो, दो बार देख लो, बढ़िया बढ़िया, तीन बार ठीक है, चौथा बार है कौन जा, लेकिन चौथा बार देख लिया ना, पंचम बार तो बैठ नहीं सकते वहां पर, क्योंकि जगत का जो आनंद है हर समय घटती है, लेकिन भगवत जो आनंद है हर समय बढ़ती है। इसलिए भगवान को कमलों के साथ में उदाहरण दिया। इसलिए कुंती बोले कहते, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं श्री कुंती। कहती है यद्यपि कृष्ण का भक्त सब है, लेकिन होने पर भी कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। कहते कृष्णाय, कहते कृष्ण को जो भक्ति करते हैं जगत में वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे बड़े कौन है, वासुदेवाय, श्री वसुदेव महाराज। बोले क्यों, बोले जगतपति जगन्नाथ ये है, लेकिन होते हुए भी लेकिन बेटा बने तो किसकी बने, बेटे वसुदेव महाराज का बेटे बने। दुनिया की जगन्नाथ होते हुए भी उन्होंने जगत का नाथ है, लेकिन पिता रूप में श्री वसुदेव महाराज को वर्ण उन्होंने वर्ण किया है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन, बोले देवकी। बोले क्यों, कृष्ण को गर्भ में किसने धारण किया, विश्व ब्रह्मांड जिनकी गर्भ में विद्यमान, लेकिन ऐसे भगवान को गर्भ में किसने धारण किया, बोले देवकी मैया ने धारण किया है। लेकिन इनसे बड़े कौन है, बोले नंद गोप कुमाराय, इनसे बड़े हैं कहते श्री मैया जसोदा नंद। बोले क्यों, बोले कृष्ण तब प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन उनको पल्ले में झुलाया किसने, उनको जन्म किसने दिया, और इनको मक्खन किसने खिलाया, और इनको डांट डपटा कौन है, बोले नंद बाबा श्री मैया जसोदा ने इनको स्नेह दिया है, हैं? इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए इनसे बड़े कौन है,
बोले श्री नंद और जसोदा, लेकिन उनसे बड़े कौन है? बोले ब्रज गोपियां। बोले क्यों? बोले रास किसको साथ में उन्होंने किया है? बोले गोपियों के साथ में रास किया, क्योंकि जो रास है, जय जय जोड़ रस सर्व रस सार पर किया भावे जहा ब्रजे के प्रचार। इसलिए कहती जो ब्रज गोपियां हैं, रास केवल उन्होंने गोपियों को साथ में किया है, क्योंकि जो श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी, क्योंकि सर्व गोपेशु सेवई का विष्णु रतंत वल्लभा, ये ब्रज गोपियां भी जिनके चरण को सेवा करती है, किसकी चरण की? बोले श्रीमती राधा रानी की चरण की। इसलिए सारे भक्त में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान की। बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। बोले श्री वृषभानु राज नंदिनी की। निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। इसलिए बोले राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, राधे जा माता नाम अनमोल बोलो, राधे राधे जा माता राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, दूध के धार से राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डब से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डब से आवाज आई राधे राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम और श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे श्यामा का नाम, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, यमुना के धार आई राधे राधे, यमुना के धार आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल, श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे भगवान को दर्शन करते करते उनका नाम लेते लेते ही अंतिम श्वास को त्याग करी। इसलिए भगवान ऋषि मुनियों के पास में गए और जा करके उन्होंने पितामह भीष्म को चरण को एक एक करके, पितामह भीष्म आंख बंद करके लेट हुए थे, इनकी भी अंतिम इच्छा थी प्रभु का दर्शन करते करते अंतिम श्वास को मैं त्याग दूं। एक एक करके सबके सब प्रणाम कर रहे थे,
श्री युधिष्ठिर महाराज प्रणाम किए, अपना परिचय दिया, भीमसेन भी अपना परिचय दिया, अर्जुन भी परिचय, नकुल सहदेव अपना परिचय देकर प्रणाम कर रहे थे। लेकिन लास्ट में जिस समय श्री कृष्ण ने प्रणाम की, अपना परिचय दिया, अर्जुन का सारथ भी आपको प्रणाम कर रहा है, बस इतने सुनते ही पितामह भीष्म आँख खोल दिए। क्यों? उन्होंने हृदय में, महाजन है ना, द्वादश महाजन में, उनको तो यही इच्छा थी ना अंतिम समय में कृष्ण दर्शन हो। जब उन्होंने परिचय दिया अर्जुन का सारथी, झट उन्होंने आँख खोल दी और सामने ठाकुर जी को दर्शन किए। दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने बड़े सुंदर भगवान की उन्हें स्तुति की है। उन्हें स्तुति करते करते उन्होंने बोले, प्रभु मेरा जो मति है विजय सखा रति मस्त में अनवद्य। हमारी मति जो विजय, विजय मतलब अर्जुन का एक नाम विजय है, कहते उनकी सखा का चरण में मेरा मन हर समय रहे। अभी यहाँ प्रश्न होता है तो उन्होंने ऐसे क्यों बोले, अर्जुन का जो सखा उनकी चरण में रहती हो, कारण किया? बोले कारण है, कहाँ भगवान दुनिया का मालिक है लेकिन सारथी किसका बने? अर्जुन का सारथी। सारथी कौन बनते हैं? छोटे जाति के लोग सारथी बनते हैं, लेकिन भगवान होकर के। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। इसलिए सारथी बने, भूल गए ठाकुराई। इसलिए उन्होंने अपना ठाकुराई को भूल करके, हैं, भगवता को भूल करके उन्होंने क्या बने? बोले अर्जुन का उन्होंने सारथी बने। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, इसलिए मेरे उनकी चरण में रति हो, भगवान बन करके सारथी कैसे बन गए? फिर सारथी बनकर क्या कर रहे थे? पितामह भीष्म स्वयं कह रहे थे, मैं स्वयं देख रहा था। कैसे, क्या देख रहा था? एक हाथ में घोड़े का लगाम पकड़े हुए और एक हाथ में कोड़े पकड़े हुए। अब जो रथ चलाते हुए देखना, हूँ हूँ करते करते, हैं, घोड़ा को इधर खींचते हूँ हूँ करते करते, इधर कोड़े मारते हूँ हूँ करते करते, कहाँ मालिक दुनिया की, और क्या कर रहे हैं? क्या घोड़ा जब थक जाते हैं कृष्ण क्या करते हैं? मालिश करते हैं और उनको भजन खिलाते। किसको? घोड़े को, घोड़े को। और जिस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेम में बसीभूत होकर के एक समय श्री पितामह भीष्म ने उनको और दुर्योधन जाकर के बड़ी उल्टा सीधा गाली दिया, क्योंकि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, मैं सबको तो मारूंगा लेकिन पांडवों को मैं नहीं मारूंगा। लेकिन अर्जुन, कितने सैन्य को एक साथ में मार रहा था अर्जुन, इसको एक दिन दुर्योधन आकर के पितामह भीष्म को तो खूब अच्छा बुरा करके सुनाया। बोले अगर हमें इसे पता चलता तो अब हम सेनापति पद में नहीं झुकते ही नहीं करते, हमारा मुख्य लक्ष्य तो पंच पांडव है और अर्जुन कितने सैनिक को मार रहा है, हा? कितने सैनिक को मार रहे हैं आप देखते हुए भी चुपचाप है। जब उन्होंने उल्टा पुल्टा सुनाए पितामह भीष्म को तो क्रोध आ गया। बोले ठीक है, कल युद्ध समाप्त कर, मैं पंच पांडवों के लिए 5 बाण बनाऊंगा, बस 5 बाण से पांडवों को समाप्त कर दूंगा, कल युद्ध खत्म हो जाएगा। इतने में उन्होंने 5 बाण बना दिए और दिन भर युद्ध करते करते पांडव लोग सोए हुए, क्योंकि दिन भर परिश्रम किए हैं, फिर सवेरे उठकर युद्ध करना, लेकिन सबके सब तो सोए हुए हैं लेकिन जगन्नाथ जी को नींद नहीं आ रही। जगन्नाथ जी को नींद नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं जगन्नाथ जी? घर में इधर से उधर, जैसे बहुत बड़ा कोई चिंता पड़ जाए ना, बहुत बड़ा, क्या होता है, नींद नहीं आती है, हैं? इसलिए कृष्ण इधर से इधर घूम रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। बोले क्या प्लानिंग बना रहे हैं? कहते मैंने प्रतिज्ञा किया है, कौन थे प्रतिजानी न में भक्ता प्रणशति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। और मैया कुंती ने युद्ध से पहले पंच पांडव को ला करके कृष्ण को दिया। बोले कन्हैया कि 5 बेटे मैं तेरे पास में दे रहा हूँ, ये 5 बच्चों को तुमने देखा, लेकिन कृष्ण ने क्या बताया? बोले बुआ जी कोई चिंता मत करो, मेरे शरण में जो आ जाता है अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, भगवान के चरण में अशोक अभय और अमृत है, बुआ जी कोई चिंता मत करो, भले ही विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा
लेकिन तुम्हारी पंच पांडव का बाल विवाह का नहीं होगा। भगवान की प्रतिज्ञा, इसलिए प्लानिंग बना रहे हैं क्या करें क्या करें। इतने में अर्जुन सो रहा था, इतने में कृष्ण जाकर के अर्जुन को बोले, अर्जुन अर्जुन उठो, अर्जुन उठो। अर्जुन ने कहा, प्रभु क्यों तंग कर रहे हो, दिन भर युद्ध करते करते थक गया, सो रहा हूँ, फिर सवेरे उठ करके फिर युद्ध करना, क्यों तंग कर रहे हो। बोले अभी सोने का समय नहीं, तुमको बताए। बोले क्या है। बोले पितामह भीष्म ने 5 बाण बनाया, कल सवेरे तुमको मार डालेंगे। बोले अच्छी बात है, जब मर जाएंगे न्यूज पेपर का हेडिंग में आएंगे। क्या कृष्ण के 5 चेले थे, भक्त थे और युद्ध में मारा गया। बोले यही तो चिंता मेरी है, यही तो मेरी चिंता है। मैंने प्रतिज्ञा की मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, अगर भक्तों का विनाश हो जाएगा तो मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी, इसलिए उठो। अर्जुन को उन्होंने उठाया। बोले क्या करना। बोले बताओ। बोले जिस समय तुम लोग काम्य बन में थे और ये दुर्योधन दुशासन और कर्ण ये तीनों मिलकर के अपमान करने के लिए गए थे, इतने में गंधर्व को किसने, इंद्र ने भेज दिया मेरे बच्चों को अपमान करने के लिए आई, इतने में गंधर्व तुम्हें पकड़ करके ले जा रहे थे। लेते समय इतने में श्री युधिष्ठिर महाराज आदेश दिया, बोले अर्जुन जाओ उनको बचा करके लाओ। अर्जुन उन्होंने युद्ध करके भगाया और तुमको बचाया है। उसी समय तुमने बताया था दुर्योधन ने, अभी आज अर्जुन तुम जो कुछ मांगोगे मैं सो देने के लिए तैयारी, और तुमने बताया था समय आने पर मांगूंगा, अभी समय जाओ दुर्योधन से केवल उसका वस्त्र मांग करके ले आओ। और उन्होंने गए दुर्योधन से वस्त्र मांग कर ले आए और उसको पहन करके बोले जाओ पितामह भीष्म के शिविर में जाओ। और अपना टोन को बदला करके हैं दुर्योधन जैसे बोले, पितामह क्यों आप मारोगे पंच पांडव को, आपकी बदनामी होगी, ये 5 बाण मेरे को दे दो, मैं मार डालूंगा, लेकर चले आओ। और उन्होंने 5 बाण ले आए, 5 बाण ले आए। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, पांडवों को कैसे जान बचा रहे। एक दिन दुर्योधन का पत्नी भानुमती को पितामह भीष्म ने कहा, मैं जब रात को भजन करते हुए उठूंगा ले आना, उसको मैं आशीर्वाद दे दूंगा, तुम अखंड सौभाग्यवती बनो। इतने में ऐसे कृष्ण बारिश की घमासान बारिश, दुर्योधन का मैं जाऊं कैसे। बोले घर की बात कल चला जाऊंगा। इतने में कृष्ण द्रौपदी को लेकर गए और उसका जूती को अपना बगले में दबा दिए। बोले जाओ पितामह भीष्म को प्रणाम करो और तुम्हें आशीर्वाद देंगे, अखंड सौभाग्यवती बनो। जो बोलेंगे ना तभी घूंघट खोलना, हाँ उसको बाद में तुम बोलना, बोले आपने आशीर्वाद दिया मैं अखंड सौभाग्यवती बनूं, कब बनूंगी, जो मेरे पति तो जिंदा रहेंगे तब बनूंगा ना। मतलब भगवान पांडवों के लिए किया नहीं किया। इसलिए यहाँ पर पितामह भीष्म कह रहे हैं, बोले प्रभु विजय सखे रति मस्त अनवत्य, मेरी जो रति है अर्जुन का जो सखा कृष्ण, इनके चरण में मेरी मति रहे। क्यों, भक्तों के लिए कैसे ध्यान करते प्रभु, भक्तों को कैसे भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, इसलिए भगवान का एक नाम श्री भक्तवत्सल है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की है। जब उन्होंने ये बात को बोले ना, इतने में कृष्ण ने कहा, पितामह भीष्म आप बताया आपकी जो मति है अर्जुन का जो सखा कृष्ण के चरण में हो, मतलब ये सारथी रूप को तुम सर्वश्रेष्ठ रूप में क्या स्थापन करना चाहते हो। बोले नहीं नहीं प्रभु, ये आपकी सारथी रूप सर्वश्रेष्ठ नहीं, आपका जो सर्वश्रेष्ठ रूप है बलगुहास, इसलिए आपका जो सर्वश्रेष्ठ रूप है, आप जो वृंदावन में ब्रज गोपियों को साथ में जब रास करते हो वो रूप सर्वश्रेष्ठ है। आप सबको देखते हो हैं, सबको देखते, एक दृष्टि है, लेकिन आप देखना जब माँ को देखोगे एक रूप, जब बहनी को देखोगे एक रूप, जब भाई को देखोगे एक रूप, लेकिन जब पत्नी को देखोगे और एक रूप। इसलिए आप सबको देखते हो, दृष्टि आपकी सुंदर है, लेकिन आप जब श्री किशोरी जी की राधा रानी को देखते हो ना प्रभु, ये दृष्टि सर्वश्रेष्ठ दृष्टि है। आप सबको देख करके हंसते हो, लेकिन जब राधा रानी को देख रहे हंसते हो वो हंसना अलग है। आप सबको साथ में नाचते हो, लेकिन जब रासलीला में गोपियों को साथ में राधा जी को साथ में नृत्य करते हो वो नृत्य एक अलग नृत्य है।
इसलिए हे प्रभु आपका जो सर्वश्रेष्ठ माधुर्य सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ रूप है, जब आप श्री ब्रज गोपियों को साथ में रास करते हो श्री राधा रानी को साथ में, ये रूप तो सर्वश्रेष्ठ है लेकिन प्रभु मेरे इसमें अधिकार है नहीं, लेकिन आपको ब्रज का रूप ये सर्वश्रेष्ठ। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोले, आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण जा कल्पिता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्रेम है ब्रज गोपी राधा रानी में जो प्रेम है। इसलिए पितामह भीष्म ठाकुर जी को सामने दर्शन करते करते प्रभु का नाम को लेते लेते अंतिम श्वास को उन्होंने त्याग दी, सारे देवता लोग दर्शन करते करते वाह बोले वाहे कितने बड़ी भाग्य है, ठाकुर का दर्शन करते करते नाम लेते लेते सामने ठाकुर जी खड़े, अंतिम श्वास त्याग दी, सारे देवता लोग स्वर्ग से पुष्पों की बौछार की और पितामह भीष्म की उन्होंने जयकार लगाए, बोले पितामह भीष्म की। इसलिए बोले बोले जनम मुनि जतन जनम जनम मुनि जतन कराई जनम जनम मुनि जतन कराई अंतराम कलिया पतनाई अंतराम कलिया पतनाई बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम Oh,
गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। अभी कृष्ण है बोले देखो युधिष्ठिर महाराज अभी हमें विदाई दो। इतने में अर्जुन श्री सारथी बनकर कृष्ण को उन्होंने विदाई दिया। कहाँ उन्होंने द्वारका में गए। जब द्वारका में गए सबके सब द्वारकावासी भगवान कृष्ण को उन्होंने स्वागत किया। और उन्होंने स्वागत करते हुए लेकिन आश्चर्य बात था। बोले क्या आश्चर्य है, कृष्ण तो एक थे। कृष्ण का रानी 16108 पटरानियाँ, लेकिन जब उन्होंने सबके सब आए ना, कृष्ण तो एक थे लेकिन जब गए ना क्या हुआ, रुक्मिणी देख रही कृष्ण मेरे साथ में आ रहे हैं, सतभामा देख रही कृष्ण मेरे साथ में आ रहे हैं, मित्रमिता देख रहे हैं कृष्ण मेरे साथ में आ रहे हैं, सबके सब रानी देख रहे थे कृष्ण सबके साथ में जा रहे हैं, कृष्ण सबके साथ में कृष्ण जा रहे हैं, अद्भुत उन्होंने देखा है। इसलिए अभी अर्जुन गया हुआ 7 महीना हो गया, अभी वापस नहीं आ रहा है। एक दिन श्री युधिष्ठिर महाराज ने बड़े अपशक उन्होंने देखा, उनका बाम आग फड़क रहा था, बाम बाहु फड़क रहा था, बाम जंघा फड़क रहा था। इतने में देखा अर्जुन का आते हुए और अर्जुन का पूरा चेहरा लटका हुआ, चेहरा शरीर में कोई तेज नहीं, निस्तेज तेज है। युधिष्ठिर महाराज पूछे बोले भैया क्या हो गया, तेरे ये चेहरा क्यों उतरा हुआ। बोले प्रभु वो स्वाम सुंदर कृष्ण के नैया नयन को तारे प्राण को प्यारे कृष्ण ये संसार छोड़कर चले गए। सचमुच से उनका नाम हरि है जो सबको हरण करते हुए चले गए। और जाते समय हैं कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन मैं जब चला जाऊंगा समुद्र ये द्वारका को डूबा देगा, तुम ये महिषियों को लेकर तुम चले जाओ। और मैं महिषियों को ला रहा था, पता नहीं रास्ता में कुछ ग्वाला लोग आ गए, मेरे को डंडा दिखा करके सबके सबको लेकर भाग गई। मैं कोशिश किया गांडी भी को मैंने उठाने के लिए, लेकिन मैं गांडी भी को उठा नहीं सका। बोले क्यों, कृष्ण है, कृष्ण की ताकत से सब कुछ ताकत था। जब कृष्ण गए सब कुछ हरण करके ले करके चले गए भार उतार करके। कहते बीच में जो ग्वाला थे कौन थे, बोले और कोई नहीं थे, ये महिषियों ने जब राधा रानी को प्रेम को देखा था, इनके हृदय में भी राधा रानी की दासी बनने की इच्छा की थी। और बीच में जो आए थे ये सबके सब कृष्ण ही ग्वाला रूप धारण करके आए और इनको ले करके कृष्ण जब चले गए। इतने में अर्जुन एक एक बात को स्मरण करते हुए रो रहा था। बोले प्रभु भैया याद है, बोले किस चीज की, बोले जिस समय में आप दूत क्रीड़ा जुआ खेल रहे थे, शकुनी ने कपट जुआ खेल कर सब कुछ ले लिया, सब कुछ राज्य भाई सोना धाना सब कुछ हड़प लिया, लास्ट में बोले तुम्हारे पास में सर्वश्रेष्ठ और एक संपत्ति। बोले कौन, बोले तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। बाद में आकर उन्हें द्रौपदी को भी दाव में लगा दिया, शकुनी ने द्रौपदी को भी जीत लिया। जब जीत लिया इतने में दुर्योधन ने कहा दुशासन अभी ये द्रौपदी ये राज रानी नहीं हमारी दासी है, पकड़ कर ले आओ उसको। और द्रौपदी रजस्वलावस्था में थी और उसको केस पकड़ कर घिसटते हुए भरी सभा में ले आए। बोले उसको विवस्त्र करके मेरे जंघे के ऊपर बैठा दो हैं। इतने में जब उन्होंने विवस्त्र करने के लिए गए, भैया आपको याद होगा उसी समय में द्रौपदी सोच रही थी मेरे 5 पति रक्षा करेंगे, यहाँ पर मेरे गुरु वर्ग सब तो रक्षा करेंगे, लेकिन अंतिम समय में कोई भी काम में नहीं आए। यहाँ शिक्षा देते हैं ये जगत बड़ा विचित्र है। बोलेंगे आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, और पैसा गन आप तुम कौन हैं। इसलिए ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, ये केवल ये स्वार्थ का ये दुनिया है। इसलिए विपत्ति समय में कोई रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए जब देखा कोई रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपना कपड़े को उन्होंने हाथ में पकड़ कर रखी थी, दांत को नीचे दबा करके रखी थी, लेकिन जहाँ पर दुशासन खींच रहा है कहाँ रक्षा कर सकती। इसलिए दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब जीवन हरी। जब उन्होंने बोले हे कृष्णा हे दामोदर हे श्याम सुंदर तेरे सिवा जगत में और कोई मेरे को रक्षा करने वाले नहीं, जब दोनों भुजाओं को उठाए इतने में स्वयं जगन्नाथ जी वस्त्र रूप में प्रकट हो गए।
दस हजार हाथी की ताकत खत्म हो गया, लेकिन दस गज साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रही थी साड़ी बीच कोई नारी ना, नारी स्वयं एक साड़ी बन गई। इसलिए आपको याद है कैसे जगन्नाथ जी कैसे उन्होंने रखा किया, बोले भैया याद है, बोले और एक बात याद, बोले कौन सा बात, बोले जिस समय हम लोग काम में वन में चले गए हैं, वनवास में चले गए, इतने में दुर्योधन को तभी वो खुश नहीं, कभी ये कांटा रूप में जीवन में रहेगी, इसलिए इनको किसी तरह से जान से खत्म करनी चाहिए। इसलिए एक दिन दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर घर में आए और खूब इन्होंने दुर्योधन खिलाया पिलाया, दुर्वासा शंकर जी के अवतार, इसलिए थोड़ी में ही प्रसन्न और थोड़ी में ही क्रोधित तो होते हैं, खूब उनको खुश कर दिया। बोले वर मांगो, बोले आप जैसे हमारे ऊपर में कृपा की, हमारे भाई लोग काम्य बन में, अब उनको वर में भी कृपा करो। इतने में दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर गई। दुर्योधन को पता था सूर्य को दिया हुआ एक पात्र द्रौपदी को पास में, इसलिए द्रौपदी जब खा लेगी वो पात्र ऐसे है अक्षय पात्र है, सारा दुनिया को खिला सकती है, लेकिन द्रौपदी भोजन करने के बाद फिर किसी को भोजन नहीं करा सकती। वो पता लगा रही थी गुप्तचर से कब द्रौपदी खा पी लेती है, बोले इतने बजे बास। उसको बाद में जब भेजा युधिष्ठिर महाराज तो कांप उठे, भीम को बोले जल्दी जल्दी जाओ द्रौपदी को पास में, पूछो क्या उसने भोजन कर चुकी है। बोले मैं तो पहले ऋषि मुनियों को खिलाती हूँ, फिर आप लोगों को खिला करके मैं लास्ट में खाती हूँ, मैं तो खा पी करके बर्तन को धो धा करके मैंने पलट कर रख दिया। बोले द्रौपदी लगता है आज काल आ गया है, उनको बोले जाओ अब स्नान करके जाओ, आपकी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इतने में उन्होंने सबके सब बैठ कर बोले द्रौपदी यद्यपि कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं लेकिन तेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कृष्ण तुम्हें सखी बोलते हैं, इसलिए एक काम करो तुम भगवान को याद करो। इतने में जब उन्होंने कृष्ण को याद की, द्वारका में कृष्ण भजन करने के लिए बैठे हुए थे, और इतने में रुक्मिणी छापन भोग छत्री से व्यंजन ठाकुर को सामने धर दिया था। इतने में द्रौपदी का आवाज टकराया तो आया हुआ थाला को उन्होंने सरका दिए, बोले प्रभु भजन करो। बोले रुक्मिणी आज अपना सखी द्रौपदी के घर में मैं आज भोजन करूंगी। बोले प्रभु आया हुआ थाला को अगर ठुकरा करके जाओगे ना कहीं भी भोजन नहीं मिलेगी। बोले मेरे पास में समय नहीं। वायु गति से उन्होंने आई कहा द्वारका और कहा काम्य वन। बोले द्रौपदी पांचाली, द्रौपदी बोली ये तो कृष्ण का गला की आवाज, वो तो द्वारका में जब उन्होंने आँख खोल करके देखा है ना, वो जिसको याद कर रहे थे वही कृष्ण सामने खड़े हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कोई कहते हैं भगवान आते नहीं और द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, बुलाओ द्रौपदी जैसे बुलाई थी है। इसलिए इतने में बोले जब भगवान आ गए कोई चिंता नहीं। कृष्ण बोले द्रौपदी मेरे को भूख लग रहा है क्योंकि परसा हुआ थाला को मैंने छोड़ करके आया। बोले प्रभु आपको तो पता है जब तक मैं नहीं खिलाती हूँ मैं दुनिया को खिला देती हूँ, मैं खाने का बात किसको खिला नहीं सकती। बोले द्रौपदी पहले मेरे को भोजन कराओ फिर बाद में बात सुनूंगी। बोले प्रभु मैंने खा पी करके धो धा करके पलट कर रख दिया। बोले पात्र लाओ तो सही, लाए तो ठाकुर की इच्छा है, उसमें एक अन्न का दाना लगा हुआ था। बोले एक गिलास पानी लाओ। उनने पी करके जब डकार तोले, बोले मेरा नाम विश्वम्भर है, मैं संतुष्ट हो गया हूँ, विश्व ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाए। वो जितने ऋषि मुनि लोग स्नान कर रहे थे ना उनका पेट तो इतना बड़ा बड़ा हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे चर्ब चुच लेछ पेय हैं। इसलिए जैसे रसगुल्ला लड्डी की चमचम मलाई रसमलाई जैसे गले तक तो भोजन किया, जैसे उल्टी हो जाएगी, हजमला खाने का भी हिम्मत नहीं था हैं। इतने में कृष्ण ने बोले भीम से जाओ ऋषियों को बुला करके ले आओ। बोले प्रभु जी ये काल को क्यों नौता दे रहे हो। बोले कोई चिंता मत करो गदा लेकर के जाओ। जो गदा लेकर गए ना ऋषि मुनि लोग देख करके वहीं से भगे। बोले हे भगवान खाने पीने का तो कुछ व्यवस्था किए होंगे, अगर खा नहीं पाएंगे ना एक गदा पीठ नीचे नहीं सब पीठ के ऊपर पड़ेगा। जब भीमसेन वहां पर पहुंचे सबके
मैदान खाली, और आशीर्वाद देकर के जा रहे थे, जाओ तुम्हारे शत्रु विनाश हो जाए, उल्टा दुर्योधन का अभिशाप देकर गए हैं। इसलिए कहते याद है, बोले सब कुछ याद है। इतने में जब देखा कृष्ण ही चले गए, बोले रह करके क्या लाभ है। इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज को राज सिंहासन अभिषेक करते हुए उन्होंने पंच पांडव भी क्या किया, सबके सब महाप्रयाण में चले गए पंच पांडव, और वृंदावन का राजा श्री बज्रनाम को बनाए। जब श्री परीक्षित महाराज राजोत कर रहे थे, एक दिन उन्होंने बड़ा अनहोनी सा देखा, बड़ा अपशकुन देखा, उन्होंने बड़ा अमंगल देखा। भले मेरे राज्य में अमंगल क्यों, ऐसे क्यों दिख रहा है। उन्होंने चतुरंगिनी सन्नी को लेकर के उन्होंने भ्रमण करते करते उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। प्राची नदी को किनारा में देखा एक बैल बड़ा दुखी होकर के है, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रहा है, और थोड़ी दूर जा करके देखा एक बैल का तीन प्यार नहीं और एक प्यार में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा उसको एक प्यार को भी तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और वो विष्टा मूत्र को विसर्जन कर रहा था। इसको देख करके परीक्षित महाराज मयान से तलवार निकाली, उसको पर में झपट पड़ी। वो था स्वयं कली, वो जानता है श्री परीक्षित महाराज का क्या प्रताप है। उन्होंने सीधा उनके चरण में लेट गए, उनको पता है अर्जुन का वंशधर में एक विशेष गुण है, शरणागत व्यक्ति को ऊपर में कभी प्रहार नहीं करते। बोले तुम कौन है, बोले मैं कली हूँ। बोले ये कौन है, बोले ये स्वयं धर्म है। बोले इनके तीन प्यार कहाँ गया, बोले चार युग है सत्य त्रेता द्वापर कली, ये तीन युग बीत गया, धर्म का तीन चरण समाप्त है, कली युग में केवल धर्म के दान के ऊपर खड़ा हुआ। बोले तुम क्या कर रहे हो, बोले मैं चाहता हूँ ये कली का प्रभाव सर्वत्र विस्तार हो, कली युग में धर्म कर्म नाम का कोई चीज रहे नहीं, इसलिए धर्म जो केवल एक प्यार पर खड़ा है उसको मैं तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोले जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम प्रवेश नहीं कर सकते, भाग जाओ नहीं तो जान से मार डालूंगा। बोले कहाँ जाऊंगा, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपका राजत्व है, इसलिए मैं जहां जाता हूँ सर्वत्र आपको धनुष बांध लिए हुए खड़े हुए आपको आप मिलते हो। इसलिए आप जब सबके सब सत्य त्रेता द्वापर अपना अपना राजत्व किया, अभी कलयुग है इसलिए हमें भी अपना स्थान दो। अभी परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कलयुग में दोष किया और गुण किया है, और उन्हें क्या देखा, बोले कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम बद्ध परम ब्रज। उन्हें देखा कलयुग में तो दोष ही दोष है, लेकिन कलयुग में एक विशेष गुण है, क्या गुण है, बोले कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा, सुमेरे सुमेरी नर उतरई पारा, सुमेरे सुमेरी नर उतरई पारा, कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा। बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण।
हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल परीक्षित महाराज ने कलयुग में यद्यपि दोषी दोष है देखा एक गुण है भगवान का कीर्तन को द्वारा जीव का कल्याण होगा। कलयुग में जीव और कोई साधन नहीं कर सकते और यह धन्य कलयुग है। इसी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरण होकर के भगवत प्रेम को उन्होंने सर्वत्र प्रचार और प्रसार करेंगे। ब्रह्मा शंकर नारद जिस प्रेम के लिए तरसते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु आसानी से वो दुर्लभ प्रेम देंगे और संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का वाणी प्रचार होगा। इसलिए उन्होंने कलयुग को स्थान दे दिया, लेकिन उन्होंने चार जगह पर स्थान दिया। मतलब कलयुग में अगर कोई चार नियम को पालन करते हुए थोड़ी सी हरि नाम करे उसका कल्याण हो जाएगा। पहला नंबर है दुतम, जुआ में कली का स्थान। धर्म का पहला चरण होता है सत्य, जो जुआ खेलते हैं कभी सच नहीं बोल सकते। पानम, पानम मतलब होता है जितने नस्ली वस्तु। इसलिए धर्म का दूसरा स्थान है तपस्या, इसलिए जो नस्ली वस्तु ग्रहण करते हैं वो कभी तपस्या कर ही नहीं सकते। तीसरा है स्त्रियम, इसलिए धर्म का तीसरा स्थान है पवित्रता। लेकिन जो व्यक्ति अवैध स्त्री संग करते हैं, अपना पति पत्नी को छोड़कर अवैध रूप में दूसरे पुरुष और स्त्री के संग करते हैं, वहाँ पर कल का निवास है, वहाँ पवित्रता नष्ट हो जाएगी। चौथा है जीव हिंसा, हैं ये जीव हिंसा जो व्यक्ति करते हैं, कहते दया, कहते जो जीव हिंसा करते हैं मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खाते हैं, धर्म का चौथा चरण है क्या है दया, ये दया नष्ट हो जाता है। चार जब जागा दे दिया तभी कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ, बोले मैं कहाँ घूमते फिरूँ, कौन जुआ खेलता है कौन शराब पीता है, ऐसे एक स्थान दो जहाँ पर सब चीज मिल जाए। तो उन्हें पैसा में स्थान दिया, सुवर्ण में स्थान दिया, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा पैसा देखना वहीं पर जितना गड़बड़ी, अवैध स्त्री संघ बेस्या संघ वहीं पर जुआ वहीं पर मांस मछली वहीं पर शराब सारी गंदी चीज वहीं पर चलती है। इसलिए उन्होंने ये कली का जो पंचमा स्थान उन्होंने दे दिया सुवर्ण में दे दिया। लेकिन यह प्रश्न है जो पैसा है लक्ष्मी है, अब मूल लक्ष्मी तो राधा रानी है, पर इसमें कली का निवास कैसे हो गया। इसलिए बोले ये लक्ष्मी दो बहाने हैं, कहते एक बहाने उल्लू और एक है गरुड़। लेकिन लक्ष्मी उल्लू के ऊपर कब बैठती है, अकेली जब वो उल्लू के ऊपर बैठती है। मतलब क्या है, जब हम घर में लक्ष्मी को बुलाए क्यों लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों, बोले आपका हम भोग करेंगे ठाकुर को सेवा के लिए, नित्यों को भोग करने के लिए, बोले तुम मेरे को भोग करोगे। इसलिए वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है और जीव को उल्लू मूर्ख बनाती है और जितने दुख कष्ट लेकर के आती है। लेकिन जो व्यक्ति लक्ष्मी को बुलाते लक्ष्मी अब तो नारायण की है, अब तो भगवान की सेविका, आओ आपका हम ठाकुर के सेवा में लगाएंगे, फिर लक्ष्मी उल्लू के ऊपर नहीं फिर गरुड़ के ऊपर बैठ करके आती है। लक्ष्मी नारायण दोनों घर में आते हैं और जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति हर चीज ठाकुर का सेवा में लगता है घर नहीं, वो घर भगवान का धाम बन जाती है। इसलिए उन्होंने ऐसे उन्होंने स्थान दे दिया। इसलिए श्री परीक्षित महाराज हैं, इसलिए परीक्षित महाराज ने एक समय जंगल में गए थे भ्रमण करने के लिए बड़े जोर से प्यास लगा तो एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, पानी मांगे, वो सचमुच से भजन कर रहे थे, पानी नहीं दिए थे उनके गले में मृत सर्प को डाल करके आए। जब उसके बच्चे को पता चला उन्होंने कौश की नदी का पानी उठा करके उन्होंने अभिशाप दे दिया, जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला अभिशाप देता हूँ उसको सप्तम दिवन में तक्षक दंशन करेगा। ये बात जब परीक्षित महाराज को पता चला
वो प्रसन्न हुए, दुखी नहीं हुए। क्यों? मरने से एक सेकंड पहले हमें पता नहीं चलता, बोले भगवान हमें सात दिन पहले बता दिए। बच्चे को सिंहासन में बैठा करके प्राय व्यसन गंगा किनारा में आश्रय लिया, क्योंकि गंगा भगवान की चरणामृत। अभी उन्होंने भगवान का चरणों का आश्रय लिया, 88,000 ऋषि लोग वहाँ पर पहुँचे और उनने सबको उन्होंने प्रश्न किया, बोले सबको आज नहीं तो कल परसों भरसों सबको मरना पड़ेगा, बताओ मरणशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। बोले नासो मुनिर्जस मतम न भिन्नम। सब ऋषियों ने अलग अलग बात बताई। इतने में देखा का बरसा जब कृषि सुखाई, मेरे पास में कुल 7 दिन, यद्यपि ये लोग एक सिद्धांत में पहुंचेंगे, श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। इसलिए जो अभय बनना चाहते हैं, भगवान की कथा श्रवण कीर्तन स्मरण करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास में 7 दिन ही है, ये तो आपस में शास्त्रार्थ करने लग गए। हृदय से जब भगवान का स्मरण की, भगवत इच्छा से सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, और जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए तब वो समझ गए यही उत्तर देंगे। फिर उन्होंने उनको प्रश्न करते हैं, फिर उन्होंने उत्तर देते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम जोगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यत् कर्तव्यम् मरणस्य सर्वथा। एक दिन सबको मरना पड़ेगा, उसका क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, जगत में इसे कौन सा वस्तु जिसको पाने के बाद जीव को सर्वसिद्धि मिल जाती है। इसलिए जब प्रश्न किया, इसको प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो ये जीवन दुर्लभ है, लेकिन ये दुर्लभ जीवन पाकर जीव करते हैं क्या, केवल 4 काम करके जीवन बिता देते हैं। क्या है? निद्रा रिक्त नक्तम विवायन चवाभयम दिवाच अर्थ है राजन कुटुंब भरण। दिन में 2 काम, रात को 2 काम करते हैं। दिन में 2 काम किया, पैसा कमाओ, परियन को भरण पोषण करो, रात को सो और विषय भोग करो। लेकिन ये जो जीवन है, तस्मात सर्वात्मना राजन भगवान हरि ईश्वर श्रतव्य कृतितव्य स्मर्तव्यम इच्छता भयम। अगर कोई अभय बनना चाहते हैं क्या करनी चाहिए? भगवान के चरण में शरणागत होकर के श्रवण कीर्तन स्मरण करनी चाहिए। लेकिन तीनों भक्ति में कीर्तन को बीच में रखा, क्योंकि समस्त भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति भगवान की कीर्तनाख्य भक्ति है। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर बात बताए, बोले कोई चिंता मत करो, तेरे पास में 7 दिन ही है। खटवांग नाम का राजा उन्होंने एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति की। कोई चिंता मत करो, यहाँ पर बैठो और भगवान की कथा सुनो। जब तक कथा श्रवण करते करते तुमको ये नहीं लगे कि संसार से तुम मुक्त नहीं हो गए, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए उनको बड़े सुंदर भागवत की कथा सुनाए। फिर सृष्टि कैसे होता है, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई, ब्रह्माचारी तरफ में कैसे पानी पानी देखे और उन्होंने समझ नहीं पाए मेरे सृष्टि कहाँ हुई। फिर उनने तपस्या में बैठे, भगवान उनको ज्ञानों में परम विहम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्य तदग्रियाणम गदितम। भगवान उसको दिव्य ज्ञान प्रदान की, बोले सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, तब उनने सृष्टि का क्रम बढ़ाए। सर्वप्रथम उनने चतुसन को सृष्टि की, चतुसन को बोले संसार करो, बोले हम संसार नहीं करेंगे, संसार बड़ा दुखमय। क्रोध आया तो शंकर जी प्रकट हुए, उनको भी बोले शंकर जी की भी यही इच्छा, सत्यम शिवम सुंदरम जोगी महाजोगी, उनको भी इच्छा नहीं। फिर उन्होंने सोचा अगर मना कर दूं ना पिता जब हिसाब देंगे, इसलिए उन्होंने भूत पिशाच सृष्टि किए, बोले कोई सृष्टि बंद करो, बोले मैं यही चाहता था। फिर उन्होंने परछाई से कर्दम ऋषि प्रकट किए, 7 बच्चों को सृष्टि किए। फिर उन्होंने श्री मनु सतरूपा को बाम और डहान अंग से सृष्टि किए और यहीं से ही सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए आकुत देवत प्रसूति हुए, यही से सृष्टि हुई, इसलिए हमको मानव कहलाते। अभी हमारे बुधन महाराज की इसके आगे कथा सुनाएंगे, ध्रुव कथा सुनेंगे, Hare Krishna.
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाक नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जह्नवपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणांतिकं। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम आराध्यतम निरुपाधिक करुणाबारिधि गुरुपाद पद्म नित्य लला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद ये फेसबुक लाइव के द्वारा सुनने वाले सब भक्त वृंद सबके चरण वैधों का यथाजथ प्रणाम स्वीकार। बड़ी सौभाग्य से हम लोग ये भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे। पूज्यपाद महाराज जी सुना रहे थे कि मनु शतरूपा ब्रह्मा जी की वाम अंग से शतरूपा पैदा हुए और दक्षिण अंग से मनु और मनु महाराज जी से हम लोग प्रकट होने के कारण उनको मानव कहा गया। ये मनु शतरूपा के पांच संतान थे, दो पुत्र और तीन पुत्री, आकुति देवहूति प्रसूति। लेकिन जो दो पुत्र बने दो पुत्र से एक है उत्तानपाद और प्रियव्रत जी।
ये उत्तान पाद की कथा बड़ी सुंदर है। भागवत तो पहले आकुति देवहूति प्रसूति का बात बताए, बाद में फिर पुत्रों के बारे में जब पूछा, फिर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी पाद पहले उत्तान पाद बड़े सार्वभौम सम्राट थे। उनकी दो पत्नी थी, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति बड़ी थी और सुरुचि छोटी थी। तो ये सुरुचि का बेटा था जिनका नाम था उत्तम, और सुनीति का एक भी बेटा था जिनका नाम है ध्रुव। इसका विचार में आचार्य जी लोग बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। उत्तानपाद और कोई नहीं है, हम लोग स्वयं उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद मतलब पैर जिनका ऊपर को होता है, गर्भ अवस्था में सबका पैर ऊपर होता है, इसलिए वो जीव को ही, मनुष्य को ही कहा जाता है उत्तानपाद। और ये उत्तानपाद हम लोग का दो पत्नी है सबका, एक है सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब शास्त्रस्य नीति, सुष्ठुर नीतिर जस्यासा सुनीति। उत्तम नीति जिनका है उनको कहा जाता है सुनीति। यानी शास्त्र में हमारे जीवन शैली में चलने के लिए जो विधि और निषेध बताया गया वो है सुनीति। और सुरुचि क्या है? स्वस्य रुचि, अपना इंद्रिय तर्पण की जो इच्छा होती है, अपना रुचि के अनुसार, स्वस्य रुचि, अपना रुचि के वही सुरुचि कहा गया। कहते अगर जीव सुरुचि का संग करता है तो उत्तम पैदा होगा। उत्तम क्या है? उद्गत तम, तम गुण बढ़ जाएगा, सत्व रज तम से तम गुण बढ़ जाएगा। अगर जीव सुनीति का संग करे तो ध्रुव पैदा होती है। ध्रुव मतलब कौन है? सत्यम। ध्रुव मतलब भगवान, निश्चित जो थे अभी भी है बाद में रहेंगे, वो भगवान कृष्ण। तो ये जीव, लेकिन सुनीति का तो संग करने से ध्रुव पैदा होती है, लेकिन विचार ये है सुरुचि के प्रति उनका बड़े आसक्त होती है। सुनीति के प्रति कोई आसक्त नहीं होता, बस पत्नी है। लेकिन सुरुचि के प्रति आसक्ति होने के कारण जब ध्रुव जीवी मतलब भगवान चाहते हैं बेटा तुम मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन जीव का ये नालायक स्थिति आता है, वो स्वीकार नहीं करता। केवल सुरुचि के भय से भगवान को ही इनकार कर देता है। अपना इंद्रिय तर्पण की, अपना वासना को चरितार्थ करने के लिए उनको परित्याग कर देते, भगवान को ही, जैसा उत्तानपादन किया, ध्रुव जी को परित्याग कर दिए। केवल सुरुचि वहाँ खड़ी थी क्योंकि सुरुचि के भय से, वो मुझे त्याग न दे, चाहे भगवान को मैं त्याग कर दूँ लेकिन वो चाहिए। ये ध्रुव जी के चरित्र की बहुत बड़ी शिक्षा है। तो ये ध्रुव जी एक बार राज दरबार में उत्तम को गोद में लेकर के खेल रहे थे, खिला रहे थे, प्यार कर रहे थे। उत्तानपाद सामने, सुरुचि खड़ी थी, ध्रुव जी कहाँ घूम रहे थे और आ गए। पिताजी को गोद में उत्तम को देख करके, भैया को देख करके खुद जाने के लिए पिताजी के गोद में आ गए, पैर पकड़ लिए, उठने चाहते हैं, लेकिन पास में खड़ी थी सुरुचि। उन्होंने तो बुरी नज़र से देख रहे थे ध्रुव जी को, राजा को भी बीच बीच में देख रहे थे। राजा तो चाहते थे, उत्तम को गला में लगा के रखा, प्यार करते, और ध्रुव जी सामने चाहते गोद में जाने के लिए। उत्तम को नीचे रख करके ध्रुव को लेने के लिए ध्रुव जी नहीं चाहते थे, आप उनको भी ले, मुझे भी लो, पिता हो मेरे, लेकिन ध्रुव जी को नहीं ले रहे थे उत्तानपाद। ऐसे तो देखा जाता है कोई अगर बाहर के कोई लड़का भी है तो भी ले लेते हैं लोग, उनको इनकार नहीं करते जब बच्चा कोई आना चाहते पास में, कि शिशु निष्पाप होती है। लेकिन क्या सारी दुनिया को, सारा जगत को जीतने वाला उत्तानपाद
अपना इंद्रिय के पीछे, अपना मन के पीछे अपने को हार दिए, विजयलाभ कर नहीं पाए अपना मन को, इसलिए सूरज के प्रति इतना उन्होंने आसक्त हो गए। वहाँ सूरज खड़ी थी, उत्तानपाद में मन में होता था ध्रुव जी को उठा लूँ, लेकिन सामने खड़ी है सूरज, इसलिए उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन ध्रुव जी बार बार जब चाहते थे तो राजा विवश है, लेकिन होने पर भी करने के लिए असमर्थ है। तब फिर सुरुचि ने ध्रुव जी को एक बात बता कि आराध्य, क्या मुझे इसको याद है कि आराध्य पुरुषम, कि बेटा ध्रुव अगर तुमको ये राज गद्दी चाहिए, हटो वहां से, हटो ध्रुव, वहां तुम्हारे अधिकार नहीं है, हटो। अगर ध्रुव जी कहते कि क्यों, ये तो मेरा पिताजी है। हाँ, ये तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं, केवल पिताजी होने से तुमको राज गद्दी नहीं मिलेगा, मिलने के लिए मैं तो तुम्हारे माँ नहीं हूँ ना, मेरा उत्तान पाद को पिता होना जितना जरूरी है उससे बहुत ज़्यादा जरूरी क्या है मुझे तुमको, मैं माँ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ध्रुव जी पूछे कि तुम्हारे माँ, तुम माँ होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा ना, इसी जन्म तो सफल है नहीं, संभव है नहीं, इसलिए शरीर को तुमको त्याग करना पड़ेगा और भगवान को भजन करोगे, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएगा, आराध्य पुरुषम, भगवान को प्रसन्न कर लोगे, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और वर के रूप में मांगना कि मुझे सुनीति की, सुरुचि की गर्भ चाहिए, और मेरे गर्भ से तो जब तुम पैदा हो जाओगे तब फिर तुमको राज गद्दी मिल जाएगा। क्या सूरज की बकवास क्या थी, लेकिन उद्देश्य तो यह था कि जंगल में तुम जाओ, वन में जो कंटक है और जंगल में शेर कोई खा लेगा तुम मर जाओगे, बस इतना ही होना चाहिए। ये नहीं चाहते थे कि हमारे सचमुच हमारे गर्भ से पैदा हो, ये तो अभिमान से बता रहे थे। तो ध्रुव जी को भेज दिए, हटो यहाँ से। तो बात ये है, सुरुचि बड़ी गंभीर बात ये बता रहे हैं कि यानी अपना गर्भ साध्य है, साधन क्या है, भगवान की भजन। भाई भगवान को कोई भजन करे मातृ गर्भ में आना चाहेगा, वो क्या चाहेगा, वो तो उल्टा चाहेगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे दूर हो जाए और भगवत धाम चले जाए। लेकिन सुरुचि का घमंड की बात कैसा है कि बोले कि देखो भाई अब जाके भजन करो, वन में जाओ, वनमगत वन में जा करके मुझे भगवान को आराधना करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे मेरा गर्भ मांगो, मुझे माता के रूप में मांगो, तब जाके मैं भगवान जब प्रसन्न होगे तुम मेरा गर्भ से पैदा होगे तब तुम राजगद्दी तुमको मिलेगा। क्योंकि क्षत्रिय सब कुछ सहन कर सकते लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकते। क्षत्रिय सम्मान प्रिय नहीं है, ब्राह्मण सम्मान प्रिय है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण को अपमान भी मिलता है, वो तो डाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन क्षत्रिय सम्मान प्रिय नहीं होते, लेकिन अपमान मिला तो बदला लेते भी है। तो ध्रुव जी क्षत्रिय मरा हुआ जैसा डंडा में पीट दिया गया कोई सर्प को, उन्होंने जिस प्रकार फुत्कार करता है तो उसी प्रकार बड़ी अभिमान होकर के, अभिमान से बड़ी मन खराब करके माँ के पास आ गए, सुनीति के पास, और साथ में कोई लोग थे। सुनीति ने पूछा कि बेटा ध्रुव क्या हो गया, दुख क्यों है, क्यों रो रहे हो, और आंख से आंसू पोछ दिया, अपना चुनरी क्या बोलते हैं, आंचल के द्वारा आंसू पोछ करके ध्रुव जी को गोद में लिए, बेटा ध्रुव क्या हो गया बेटा। ध्रुव जी ने कुछ बताया नहीं, पांच पड़ोसी से जो दूसरे दूसरे बच्चे लोगों ने बताया, किसी ने राज दरबार में जो दासी लोग थे, कि आज वज्र बाण में वचन रूपी वज्र के द्वारा विद्ध है सुरुचि के वचन में। सचमुच ध्रुव जी जब माताजी को ये बात पता लगा तब ते सुनीति ने बहुत सुंदर अच्छी बात उनको बताया, बेटा ध्रुव देखो माता ने बाड़ा जुक्ति युक्त बचक ग्राह हम बाड़ादपि सुकादपि, कि चढ़ में अगर सुनामी गिरा हुआ है, सुवर्ण गिरा हुआ है तो उनको उठाना चाहिए, उठाते, वो अपवित्र नहीं होता, खराब नहीं होता।
तो युक्तियुक्त वचन चाहे तोता से हो चाहे छोटा बच्चा से हो ग्रहण कर लेना चाहिए, तो व्यक्ति महान बनता है। तो तुम्हारे बेटा ध्रुव, तुम्हारे विमाता ने कोई खराब शब्द नहीं बोला, उन्होंने सही बताया। बेटा जगत में सही वचन जहाँ है वहाँ तक ग्रहण कर लो। राज गद्दी क्या तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे क्या तुम्हारे पिता मनो जो उत्तान पादवी, वो भी उनको मिला भगवान की भजन करने के कारण एक गद्दी मिला। उनके पिताजी स्वयंभुव मनु महाराज जी, उन्होंने भी भगवान को भजन करके ही सब कुछ प्राप्त किए थे। और उनके पिता ब्रह्मा जी भी भगवान को तपस्या करके ही प्राप्त किए। जगत में पर बाबा तुम्हारे पिता प्रपिता प्रपितामह परात्पर पिता जितने लोग प्राप्त किए राज गद्दी, कोई सम्राट बने, सब लोग भगवान को आराधना करके। तुमको विमाता ने खराब शब्द नहीं बोला, इसलिए जो विवेकी होती है ये बुरा को छोड़ देते हैं, अच्छा को ग्रहण करते हैं। बेटा ध्रुव तुम जंगल में जाओ, सचमुच भजन करो, भगवान को आराधना करो, ये देखने का बात है। ध्रुव जी सुनीति होने के कारण शास्त्र की नीति सुनीति है, और शास्त्र की नीति तो वही कहता है कि चाहे कौमारत आचरित प्राज्ञों धर्मान भागवतानी हो, चाहे बच्चा भी हो कोई भी हो, इसी जगत में आराध्य केवल भगवान है, इसलिए भगवान को भजन करो। लेकिन आजकल पिताजी माताजी लोग कहते हैं उल्टा बोलेंगे, डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो ये बनो ये बनो। हाँ महाराज जी बहुत अच्छा बात कहते हैं, अगर बेटा धोती पहन करके मंदिर में आ गया तो बोलेंगे कौन सा बाबा के चक्कर में आ गए। हाँ लेकिन अगर सिगरेट फूंक करके घर में आया, शराब पी करके घर में आया, वेरी गुड बहुत अच्छा है। और पिताजी माताजी बोलेंगे अभी तो बेटा हमारा स्टेटस मेंटेन कर रहा है, और आजकल बच्चे ऐसा हो जाते हैं, कोई असुविधा नहीं है, मैनेज हो जाएगा, अपने को मेंटेन कर लेगा कैसे भी हो। ये आजकल ऐसा क्या हो तो हमारे इंडिया में देखा गया कि लड़की लोग भी शराब पी रहे, उसी दिन शराब बंद था तो वो वाला आ रहा था, क्या हालत खराब है। हाँ वो लाइन में भी थे और बात पूछा गया कि भाई क्यों लाइन पे लगे हुए ना, भाई देखो शराबी लोग जब गिर जाता है तब तुम लोग कोई भी नहीं आते उठाने के लिए, लेकिन आज जब भारत का अर्थनीति गिर गया हम शराबी लोग इकट्ठा हो गए, खंद मिला रहे कि उनको उठाने के लिए फाइनेंस सेक्शन को, और बोले कि शराबी ऐसा हिलते जुलते क्यों चलता है ना, इतना भार अभी लेकर के चलता है ना, भारत का फाइनेंस का भार लेकर चलता है तो इसलिए हिलजुल करके चलता है। वाह वाह रे शराब पीने वाले को चलो। तो लेकिन ध्रुव जी तो जंगल में चले गए। हाँ जंगल में जाने से पहले माता को बोले माँ मैं जंगल में तो जाऊंगा, लेकिन जंगल में जाने के बाद मुझे अभी यहाँ पर कोई दुख आता है तो हम आप अपना अंचल से मेरा आंसू पोछ देते हो, आपका अंचल का पीछे मुँह छिपा करके रो लेता हूँ तो हमको कोई सांत्वना देता है, आप मुझे सांत्वना देते हो, दुख मिटाते हो, आपका स्नेह में पालता पोसता हूँ, लेकिन जंगल में जाऊँगा अगर दुख मिलेगा तो किसके पास आऊँ, कौन मुझे अंचल में पोछ देगा, दुख मिले भगवत भजन करने के लिए जाऊंगा वहां दुख मिलेगा तो किसके पास जाऊं, किसको बताऊं, क्या करूं। ध्रुव जी की माता सुनीत ने बहुत अच्छी बात बताया, बोले देखो ध्रुव जी, अरे एक माँ के अंदर जो वात्सल्य है, भगवान के अंदर करोड़ करोड़ माँ की वात्सल्य है, तो इसलिए माँ के सारी माओं का जो वात्सल्य प्रेम है वो भगवान से भी आया है, तो इसलिए भक्त के ऊपर कभी पत्ता गिरता है तो भगवान के ऊपर पत्थर गिर जाता है। और चक्षु को जैसा पलक बड़ी सुंदर रीति से बचाता है उसी प्रकार भगवान भी अपना भक्त को सुरक्षा देते हैं। इसलिए बेटा ध्रुव जंगल जाकर के हमारे बारे में नहीं सोचना, मेरे गोद में जितना कोमलता है शीतलता है भगवान की गोद उससे भी क्या है करोड़ गुणा है। चंद्र सुशीत और क्या गौरंग तुम्हें मेरे दया न छड़े हुए है ना, शीतल चरण पाया शरण लई लू, एकुले कुले मुई
दिलो तिलांजलि, सही बात है। पिताजी माताजी की प्रेम से भी भगवान की प्रेम बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए देखो बच्चे पिताजी माताजी को छोड़ करके एक बार अगर मंदिर में आ जाते हो घर में वापस नहीं जाते, क्यों? यहाँ पर क्या मिलता है? सूखा रूखा रोटी चावल खा कर कोई रह सकता है? हाँ नहीं भाई, मठ मंदिर की अवस्था आपको पता नहीं है, रह सकते? फिर 2 महीने रुक करके दिखाओ। देखो जैसे जगन्नाथ जी गुरुदेव की इच्छा। हाँ भाई, इधर तो ऐसा है, घंटी बजेगा जा करके पहुंच जाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पूरा दिन ही प्रसादी गायब और रात को मिलेगा जा करके। हाँ और भाई घर में हो तो रसोई बना करके हटकेश में कोई अगर आया तो पूछ लेंगे, भाई चाय चाय चाहिए, नहीं तो बना कर दे दूं, या नहीं तो हटके थोड़ा गर्म करके दे देता हूं, 2 बार पूछ करके देंगे। यहां पर नहीं, खुद थाला लेके जाना पड़ेगा और वहां से खुद को लाना पड़ेगा, कुछ है नहीं, कंप्लेन किसको नहीं कर सकते, और अपना थाली उठा करके धोना पड़ेगा। हाँ घर नहीं है, मठ में बहुत बड़ा दुख है, लेकिन सुख तो भी इतना है। वैष्णव का जो प्रेम है, गुरुदेव की जो प्रेम है, और ठाकुर जी की जो अपनापन भाव है, वही बचाता है। तो शरण लइनु कि गौरांग महाप्रभु के शीतल चरण पर कोई एक बार आए तो दुनिया की उल्टा दुनिया गर्मी लगेगा। जैसा कोई एसी के अंदर है, बाहर जाने में क्या होती है? गर्मी अनुभव होता है। तो उसी प्रकार जब भगवान के शरण में एक बार आ जाए, तब फिर संसार में कहाँ भी जाएगा उनको गर्म अनुभव होगा ही होगा। संसार की ज्वाला दुख लगेगा, गर्मी अनुभव होगा। हाँ राजीव प्रभु, 7-8 दिन रहेगी जो है ना, गर्म अनुभव हो देखेगी, वैसे दिन रही हुई नहीं। तो जैसा ना वो आदत बन जाता है। एक ट्रैफिक पुलिस क्या किया था, गर्मी में रह करके खड़े होकर ड्यूटी कर रहा था, जब घर में आ गया बोले भाई हीटर लगाओ। कहीं हीटर क्यों लगा? नहीं एसी अच्छा नहीं लगता, हीटर ही लगाओ, क्योंकि रहते रहते आदत बन गया ना, आदमी जहाँ रह जाता है तो उसका आदत बन जाता है। तो इसलिए शीतल चरण भगवान की, जो नारद जी रास्ता में ध्रुव जी जंगल में चले गए भगवान को भजन करने के लिए, नारद जी को भेंट हुआ, उनकी इच्छा जानकर नारद जी आ गए और उनको बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? क्योंकि भी भाव गुरु बेन भाव निधे तरई न कोई, गुरु बेन भाव निधे तरई न कोई, जो उसे कोई भी भव संसार को पार नहीं कर सकते। भाई कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी के बिना सहायता से उद्धार हो सकता है? कोई भी ऊपर से आकर के आपको रस्सी डालेंगे तब आप पकड़ोगे, उद्धार हो जाओगे। समुद्र में कोई गिर गया भाई बिना सहायता से कहां भी दिखाई नहीं देगा, कहां जाएगा? तो कुछ को सहायता जरूरी चाहिए, जरूर चाहिए। इसलिए इसी संसार में हम लोग को दुखी है, लेकिन समुद्र में गिरे हुए हैं तो भव समुद्र से उद्धार होने के लिए एक नवा चाहिए, जो हमको मिल गया नौका। क्या है नाव? क्या है? शरीर। लेकिन शरीर तो नौका तो मिल गया और नौका में बैठे भी हुए, लेकिन मेन चीज क्या है, नौका को चलाने वाला? हाँ क्या? कंडारी नहीं है, खेवैया। खेवैया नहीं है, केवटिया। तो वो कौन है? गुरु है। इसलिए मानव जीवन सदगुरु मिलन संसार दुर्लभ दुई, ए दुई पाए भजन कले जन्म सफल होए। मानव जीवन मिल गया और एक दुर्लभ, दूसरा दुर्लभता क्या है?
सदगुरु मिलन, और ये दोनों मिले हैं तो बात सिर्फ केवल अपने के ऊपर है भाई, बस भजन करने से जीवन सफल बन जाएगा। तो फिर ध्रुव जी के नारद जी मिले और नारद जी को थोड़ा समझा दिए, चलो उत्तानपाद हमारे शिष्य है और आप बोलोगे तो मैं चलो बोलता हूँ, वो सिंहासन में बैठा देंगे, आपको गोद में ले जाएंगे, जंगल में क्यों जाते हो, शेर खाएगा, कुछ ना कुछ विपत्ति है। तो ध्रुव जी बोले मेरा माँ बता रही थी नारद जी जिनको मिल जाते उसके बाद भगवान मिलते हैं, लेकिन आप नारद जी हो कि परिचय देते हो, नारद जी हो ऐसा ऐसा बात कहते हो, भगवान क्या मिलेंगे, शेर की बात बताते हो फिर आप। नारद जी तो बोले बाबा ये तो पक्का चला है, ध्रुव जी को शिष्यत्व ग्रहण किए ध्रुव जी का, और मंत्र प्रदान किए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र प्रदान किए, और उन्होंने जंगल में जा करके एक पैर में खड़े होकर तपस्या किए, धीरे धीरे खाना छोड़ दिए, पत्ता खा कर फिर सांस भी लेना छोड़ दिए, भगवान तो इतना प्रसन्न हो गए ध्रुव जी की तपस्या में। 6 महीना में भगवान सोचने लगे, दिद्रुख्या मह वहाँ पर लिखा गया कि ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए देने के लिए नहीं आए भगवान कि चलो चलो ध्रुव जी को दर्शन दूंगा, लेकिन ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए आए। छोटा सा बच्चा इतना तपस्या, देवता लोग भी घबरा गए, इसलिए भगवान ध्रुव जी को दर्शन क्या देने के लिए नहीं करने के लिए आए, और ध्रुव जी को दर्शन किए, बड़े गदगद हो गए। ध्रुव जी तो दर्शन तो भगवान करे सचमुच करे, क्योंकि ध्रुव जी आँख खोला नहीं तब तक, ध्रुव जी तो अंदर अपना बैठे हुए भगवान को स्मरण कर रहे थे। भगवान बोले बेटा हम जहाँ पर जाता हूँ लोग तड़पते हमारे दर्शन करने के लिए और तुम तो आँख ही नहीं खोल रहे हो, विचार क्या है। तब तो भगवान ने देखा कि अंदर बैठने वाले मुझे मेरा स्वरूप के वो ध्यान कर रहे, तब तो उन्होंने अपना वाला स्वरूप को ही अंतर ध्यान कर दिए। तो ध्रुव जी घबरा गए, तड़प करके जब आंख खोला घबरा गए, हड़बड़ा गए, और जब आंख खोला को तो देखा तो सामने वही ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी को प्रणाम किए और स्तुति करने के लिए कुछ अकल नहीं था, भगवान ने शंख प्रदेश स्पर्श कराया, ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर इससे भगवान की स्तुति की। और जब समय हो गया 36,000 साल राज्य शासन किए, और बाद में फिर उसी लोक से विमान आया, ध्रुव जी बैठने जा रहे थे, बोले भाई देखो विष्णु दूतों को बोले कि हमारे माँ भी मुझे चाहिए, मेरे माँ के साथ में जाऊँ, क्योंकि उन्होंने मुझे भजन में सहायता किए थे। और बोले कि ध्रुव जी पहल तो बाद में आप जाओगे, पहले माता जी जा रहे, देखो वही तुम्हारे माता जी की है। तो माता जी के विमान को देख कर ध्रुव जी प्रसन्न हुए, इसलिए अगर बेटा भजन करता है तो माँ को जरूर मिलेगा, पिताजी को भी जरूर मिलेगा। इसलिए सब पिताजी माताजी को अगर खुद भी भजन नहीं कर पाते हो तब तो बेटा को भी संतान को प्रेरित करना चाहिए भजन करने के लिए, जैसा सुनीति जैसा। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हाँ परमात्मा ने ठीक फोन करिए, मैं परमात्मा को फोन कर चुका हूँ, मैं इबे जा चुका हूँ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥାଅ।
हम चला जाएंगे आप लोग छोड़ करके। Thank you.
I'm